जिला इंतजामिया दावों के बावजूद आटा बहरान पर काबू ना पा सकी। मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो के आटा बैग की शदीद किल्लत। हुकाम सरकारी नर्ख 860 पर फरोख भी मुमकिन ना बना सके। फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की कीमत भी बढ़ा दी। 80 किलो बोरी की कीमत 6000 से ज्यादा हो गई। उधर आटा चक्की मालिकान भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। आटे की कीमत 70 रुपये फी किलो कर दी। जो रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ ले रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था, वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मजीद ऊपर कैसे चली जाती है। बड़े परेशान ने तंदूरों वाले, रोटियां वाले, 80-80 हज़ार का इन्हों का गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जिहड़ा परेशान। जाए तो जाए कहाँ, महंगाई के हाथों तंग गरीब आवाम भी चीख उठी। कहती है सरकारी रेट पर आटा मिलता नहीं। चक्की मालिकान ने भी कीमत बढ़ा दी। फाइन मैदा भी महंगा हो गया। हुकूमत महंगाई का नोटिस ले। उधर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने सस्ती रोटी और नान बेचने से इनकार कर दिया। बोले कीमतें कम ना हुई तो ईद के बाद नान 20 रुपए का कर देंगे। ईद करीब आते ही इंतजामिया प्याज की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जी फरोशों की मनमाने नर्खों पर फरोख। प्याज सरकारी नर्ख 33 की बजाय 60 रुपए किलो पर फरोख। टमाटर, लहसुन, अदरक और दीगर सब्जियों की कीमतें भी होशुबा। ब्रायलर चिकन 8 रुपए इजाफे से 244 रुपए किलो हो गया। सोने की कीमतों को पर लग गए। आलमी मंडी में सोना महंगा होने पर सराफा बाजार में भी तेजी आ गई। कीमत में 3000 रुपए फी तोला इजाफे के बाद 24 के रात सोने की फी तोला कीमत 1,20,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 22 के रात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए हो गई। महकमा हायर एजुकेशन के अपने ही असातजा लापता हो गए। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस के 246 लेक्चरर्स 5 साल से मफरूर। डीपीआई कॉलेजेस पंजाब ने मफरूर असातजा के सर्वे रिकॉर्ड को तलाश करने के लिए तमाम डिविजन्स के डायरेक्टर कॉलेजेस को टास्क सौंप दिया। अंधेर नगरी चौपर राज आला तालीम के फरोग का इदारा हायर एजुकेशन मछली मंडी बन गया। सेक्शन ऑफिसर्स की मंजूर शुदा 22 नशिस्तों पर 45 और डिप्टी सेक्रेटरी की 9 सीट्स पर 15 अफसरान तैनात। तैनात असातिज़ा की अक्सरियत ने सिफारिश के जरिए पोस्टिंग करवाई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमे खजाना तैनातियाँ गैर कानूनी करार दे चुका है। हुकूमत जानबूझकर शोबा सेहत को नजरअंदाज कर रही है। कोरोना ड्यूटी करने वाले 4,500 हेल्थ ऑफिशियल्स वायरस में मुब्तला हुए। तहाल डॉक्टर्स और अमले को इजाफी तनख्वाहें नहीं दी गयी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमत का एतराफ ना करने पर हुकूमत की मजम्मत। वाईडीए का कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमत का एतराफ ना करने पर हुकूमत से शिकवा। तकरीब मुनक्किद करके बिलावल और शहबाज शरीफ को बुलाने का ऐलान। रजिस्टर्ड मेहनत कशों के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में इलाज जान जोखों का काम। मैनुअल सिस्टम के सबब कार्ड और डेटा का तस्दीक अमल मुश्किल तरीन होने से मजदूर दर बदर। हुकाम का मसले के हल के लिए 11 लाख रजिस्टर्ड मुलाजमीन के लिए जल्द कंप्यूटराइज कार्ड के इजरा का दावा। माले मुफ दिले बेरहम। अंदरून लाहौर शहरियों के लिए बनाए गए कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा। शादी ब्याह की तकरीबात की बजाय जूतों का कारोबार चलने लगा। शहरी कहते हैं शादी गमी के लिए बेहतरीन सहूलत थी। हॉल की मिल्कियत और कब्जे बारे तहकीकात करेंगे। पेफ पार्टनर स्कूल असातिज़ा और मालिकान का एहतजाजी मुजाहरा। ऐवान वज़ीर आला जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पेफ मुजाहरीन का अदायगियों का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे। एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने पर एक शख्स बेहोश हो गया। स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान रोड में कायम जिप्सम फैक्ट्री में बाईपास निकालकर गैस चोरी पकड़ ली। टास्क फोर्स ने गैर कानूनी पाइपलाइन कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। लेस्को कोट लखपत डिवीजन की टीमों का बिजली चोरी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान 102 से ज्यादा बिजली चोर रगे हाथों पकड़ लिए गए। एक्जीम का कहना है कि बिजली चोरों को किसी सूरत मुआफी नहीं दी जाएगी। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का 4 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा गाड़ी की बरामदगी के लिए फिल्मी स्टाइल में ऑपरेशन। गाड़ी मालिकान की मुजाहमत। गाड़ी के दाएं बाएं गाड़ियां खड़ी कर दी।
कस्टम टीम ने ग्रीन ट्रेन मंगवाकर महंगी गाड़ी को लोड करके वेयरहाउस मुंतकिल कर दिया। मैंने यूनिफॉर्म में टिकटॉक लाजमी बनाई है, वो मेरी मिस्टेक है, मैं एक्सक्यूज करती हूँ, मेरी मिस्टेक है, मैंने बना लिया, मुझे वार्निंग दी जाती, मेरी सैलरी काट लेते हैं, मुझे पनिशमेंट करते, लेकिन डिसमिस तो ना करते। मुझे डिसमिस किया गया, फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली है, और हम दर दर के धक्के खा रहे हैं। खातून पुलिस एहलकार की वर्दी में टिकटॉक बनाने पर नौकरी से निकाले जाने का मामला, एहलकार वफा तौकीर का वीडियो बयान सामने आ गया। वफा तौकीर कहती हैं टिकटॉक पर वीडियो जरूर बनाई गई मगर इतनी बड़ी सजा ना दी जाए, नौकरी से पहले वार्निंग देनी चाहिए थी। पायलट्स के लाइसेंस मौतली का इकदाम चैलेंज, हाईकोर्ट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को ताहुक्मे सानी हतमी फैसला करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार की मौतली का अदम करार देने की सदा पर अदालत का विफाकी हुकूमत सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत दीगर को नोटिस, जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के 16 मशीरों की तकरीरी, हाईकोर्ट में चैलेंज, वज़ीर-ए-आज़म वजारत कानून फरीक नामजद। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल करने से साबित होता है कि वज़ीर-ए-आज़म फराइज अंजाम देने के अहल नहीं है। अदालत से तकरीरियां कल अदम करार देकर मुंतखब अराकीन को तायुनात करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के तर्जुमान ने कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे खिलाफ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं, 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग है, मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल का कोई जवाब नहीं। असाज़ा का स्टैंडर्ड मुकर्रर करने के लिए टीचिंग लाइसेंस जारी करने का फैसला, वज़ीर तालीम मुराद रास का जल्द पंजाब असेंबली में टीचर लाइसेंसिंग एक्ट पेश करने का ऐलान। वज़ीर तालीम ने निजी स्कूलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर पेशरफ से भी आगाह किया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन में नोक झोंक और जुमलेबाजी से ऐवान कश्ते जाफरां बना रहा। वजीर कानून पंजाब का कोरोना के सबब रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मुतासर होने का एतराफ, ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का इंदिया। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के वफ से मुलाकात में सख्त एसओपीज के साथ तमाम कारोबार जल्द बहाल करने की यकीन दहानी करवाई। सियासी जमातों को मालियाती गोशवारे जमा कराने का मरासला जारी, इलेक्शन कमीशन ने 20 अगस्त तक गोशवारे जमा कराने की हिदायत कर दी। कमीशन की सियासी पार्टीज को असासों की तफसीलात, अकाउंट्स ऑडिट की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोनस अलाही की मुलाकात, मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इतिहादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं अपोजिशन का हुकूमती इतिहाद में दराड़े देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। शजरकारी मुहिम के लिए टाइगर फोर्स की तादाद बढ़ाने का फैसला, चंद रोज में ऐप से रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार का ज़ेरे सदारत इजलास में इजहार ख्याल, इजलास में मामले खुसूसी ब्राय माहौलियात मलिक अमीन असलम, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की भी शिरकत, टाइगर फोर्स डे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनीज ने फैशन की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। स्टाइल टेक्सटाइल 33 करोड़ 30 लाख डॉलर की बरामदात के टॉप एक्सपोर्टर्स में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स एप्टमा की मेंबर, पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टॉप 100 एक्सपोर्टर्स का हिस्सा 41% से ज्यादा। चेयरमैन पीएफए की जेर सदारत पंजाब फूड अथॉरिटी बोर्ड का इजलास, दौरान ड्यूटी शहीद या जख्मी होने वाले मुलाजमीन के लिए खसूसी इमदाद, सालाना माली बजट की मंजूरी, बोर्ड ने शहीद की बेवा या बच्चे को मुलाजमत देने की भी मंजूरी दी। पंजाब पुलिस में डीएसपी रैंक के 28 अफसरान की उखाड़ पिछाड़, आईजी पंजाब ने मोहम्मद कदीर अहमद को एसडीपीओ
नौलखा जबकि इकरामुल्ला को SDPO काहना तैनात कर दिया। उधर CTO ने एक ही सेक्टर में तैनात 8 सेक्टर इंचार्जेस को पुलिस लाइन भिजवा दिया जबकि 31 सेक्टर इंचार्जेस के तकरर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। कैदियों को बुनियादी जरूरियातें अशिया की फराहमी के लिए महकमा जेल खानाजात का अहम इकदाम। जेलों में अशिया की मार्केट रेट पर फराहमी के लिए कमेटी कायम। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम कहते हैं जेलों में शिफाफ कल्चर को राइज करने की जरूरत है, कैदियों का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलामा हाफिज काजिम रजा नकवी की चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड के एजाज में तकरीब। सोशल मीडिया से फिरका वाराना मवाद उठाने का फैसला काबिले तहसीन करार। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का 59वां इजलास। MBBS के स्पेशल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात करवाने का मामला PMDC को भिजवाने की हिदायत। इजलास में सूबे में मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनने के बढ़ते रुझान पर भी इजहार तशवीश। महकमा स्कूल एजुकेशन का तलबा की किरदार साजी के लिए स्कूल में स्टूडेंट सोसाइटीज के क्याम का ऐलान। पहले मरहले में 5 डिविजन्स के स्कूल्स में फौरी तौर पर करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज बनाई जाएंगी। तलबा की करेक्टर बिल्डिंग के लिए NAP के अफसरान लेक्चर्स देंगे। PCB का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 में एज ग्रुप इवेंट्स सिंगल लीग की बुनियाद पर कराने का फैसला। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में एज ग्रुप U13, U16, U19 टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाए जाएंगे। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड पर रवाना। मसाजिर मोहम्मद इमरान भी फास्ट बॉलर के हमरा इंग्लैंड चले गए। व्हाइट बॉल प्लेयर और कौमी टीम के मसाजिर दो कोरोना टेस्ट मंथली आने पर दौरा इंग्लैंड के लिए क्लियर हुए।